नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन मटर की चटपटी सब्जी। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं आलू मटर और बैंगन की चटपटी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ और 3 आलू लिए हैं। हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 पिंच के करीब हम हींग डाल देंगे। हींग और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जब हींग और जीरा तड़क जाएगा, हम इसके अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम लो रखना है। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। जार को धोकर हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे। देखिए मसाला जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है। और अब हम इसके अंदर 1 कटोरी दही डाल देंगे। मैंने फ्रेश दही ली है, आप हल्की सी खट्टी ले सकते हैं, ज़्यादा खट्टी ना लें, नहीं तो सब्जी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। और इसे कंटिन्यू चलाएंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे या फिर आप गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। दही हमारी फटनी नहीं चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे, मैंने आलूओं को लंबे हिस्से में काटा है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से मटर। मटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक हम पका लेंगे। सब्जी के बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक करेंगे और इसे उलट पलट कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बैंगन। बैंगन को भी मैंने लंबे हिस्से में काटा है और बैंगन को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। आलू हल्के से पक जाए तभी आप बैंगन डालें, नहीं तो बैंगन जल्दी पक जाएंगे, आलू पकेंगे नहीं तो सब्जी जो है फिर अच्छी नहीं बनेगी। तो बैंगनों को भी हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को ज़्यादा ना गलाएं फ्रेंड, सब्जी खाने में टेस्टी नहीं बनती है। अगर आप इसे रसेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, पर मैं इसे लिपट मसाला बनाऊंगी तो मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करूंगी। देखिए मैंने सब्जी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधी कटोरी के करीब, और ऊपर से हम कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक कर लेंगे और उलट पलट कर देंगे। सब्जी जो है हमारी हल्की पक गई है, 2 मिनट हम और पका लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। 2 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक करेंगे, आप देख सकते हैं सब्जी का पानी भी थोड़ा सूख गया है और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम सब्जी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला। इससे टेस्ट भी आएगा और सब्जी खाने में टेस्टी लगेगी। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और हमारी सब्जी को हम 1 सर्विंग प्लेट में परोस लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी चटपटी सी सब्जी
आलू बैंगन और मटर की तैयार है खाने के लिए। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। मैंने लिपटमी सी सब्जी बनाई है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड। आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सब्जी कितनी टेस्टी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह टेस्टी सब्जी कैसी बनी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।